वैसे परिवार की रसोई में आज रस मिलाई है शिमला मिर्च। अब ये शिमला मिर्च मैंने धुल के साफ कर ली है और अब मैं इसे काट के प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करके रख दूंगी। फिर जिससे जब भी मुझे मिक्स सब्जी बनानी होगी, चाउमीन बनानी होगी, या मैक्रोनी बनानी होगी, या वेज मोमोज बनाने पड़ेंगे, जो भी चीज़ मैं बनाऊंगी, तो मेरी सब्जियां बिल्कुल कटी कटाई रहेंगी, तो मुझे उससे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती। तो आप भी मेरी इस छोटी सी टिप्स का प्रयोग करें, आपकी सब्जी भी नहीं सड़ेगी और आपको काम करने, किचन के काम में सहूलियत भी मिलेगी। इस छोटी छोटी टिप्सों से गृहिणियों को थोड़ा सा समय में आराम करने की भी सुविधा मिल जाती, नहीं तो वो दिन भर किचन के काम में ही लगी रहती हैं। तो इस चीज़ का प्रयोग से परिवार की सभी सदस्य या गृहिणियाँ किचन में अपनी सब्जियों को, अपने जो भी किचन का सामान है उसे सामान सही तरीके से व्यवस्थित करें और हर एक चीज़ का सदुपयोग करें, जिससे पैसों की बिल्कुल भी बर्बादी न जाए, क्योंकि गृहिणी के ही हाथ में घर को सही सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेदारी होती है। ओम नमः शिवाय। के सदस्य, मैं आधा केजी शिमला मिर्च लाई थी, अब मैंने इसे काट के साफ करके बिल्कुल डब्बे में भर के रख दिया है और ये इसके बीज थे, इसको भी मैंने फेंका नहीं है। जो ये मैं आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी तो उन सब्जियों में भी इसको डाल दूंगी, ये बीज को, इनको। और ये देखिए, अब ये हमारी शिमला मिर्च हफ्ते भर तक भी हमारी खराब नहीं होंगी, क्योंकि जब फ्रिज में कभी कभी सब्जियां ज़्यादा होती तो शिमला मिर्च रखो तो वो फट जाती है, दब दब के फूट जाती है और फिर वो सड़ने लगती हैं। तो आप भी इस टिप्स का प्रयोग करें, अपनी सब्जियां जो भी लाएं उनको धुल के साफ करके प्लास्टिक के डिब्बे में रख लें और फिर जब आपको सब्जी बनानी हो तो झटपट आप अपनी सब्जी निकालें और इंस्टेंट मसाले से तुरंत ही सब्जी तैयार, तो उससे आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी और दूसरा आपको थोड़ा आराम का और समय बिताने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि गृहिणियों को थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। आराम करने से वो अपने गृह कार्यों में और दक्षतापूर्ण, क्या नाम है, तौर तरीके से उस कार्य को और अच्छे से कर पाएंगी। ये देखिए, और मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो आप सब लोग कमेंट करें और मुझे इसी तरह आप अपना प्रोत्साहन देते रहें।